क्या ना, बहुत कम डिशेस ऐसी होती हैं जो कि हेल्दी भी होती हैं और सुपर टेस्टी भी होती हैं, है ना। कि आप जिम से आए, आपने फटाफट से 2 मिनट में स्वेटशर्ट उतारी और 2 मिनट में बना के खा ली एक हेल्दी डिश। एक डिश है जो सुपर हेल्दी भी है, जिम के बाद भी, जिम से पहले भी, वो डिश है खांडवी। और खांडवी जो है ना, वो जादू है, जादू, इट्स लाइक मैजिक। दिखाऊं जादू? ये पैकेजिंग के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और आज हम बनाएंगे खांडवी। खांडवी बनाने के लिए हमको चाहिए बेसन। आई लाइक डूइंग दिस, आई कैन डू दिस मॉर्निंग टू नाइट। दही अभी जरूरी क्या है? सबसे जरूरी चीज है खांडवी बनाने में प्रोपोर्शन, राइट, यानी कि अनुपात। और अनुपात यह है कि 1 कप बेसन में 2.5 से 3 कप मट्ठा। तो अगर छाछ है या मट्ठा है तो मट्ठा इस्तेमाल करना है, नहीं तो दही और पानी का मिक्सचर, और 1 भाग दही 2 भाग पानी। सिंपल। अभी थोड़ा सा पानी, और पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसको विस्क करना है ताकि लंप्स ना पड़े। सारा पानी एक साथ से डाल दिया तो आप बनाने जाएंगे खांडवी, बन जाएगा रायता, वो भी गांठों के साथ। गांठे नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए पहले थोड़ा सा डाल के और अच्छे से फेंटना है ताकि गांठे ना पड़े। ये देखिए, अभी अभी जो है ना, लंप्स नहीं पड़ेंगे। लो जी, डन। अभी क्या करना है, गैस करनी है धीमे, और धीमी गैस में ये हमारा जो घोल है, ये घोल डाल देना है ऐसे। और अब उस चीज का परिचय देना है जिस चीज से आज हम बहुत दूर हो चुके हैं, और वो है सब। तो जी, ये इंस्टा स्टोरी नहीं है जो 15 सेकंड में बन जाएगी, इसको धीरे धीरे 10 मिनट तक पकाना पड़ेगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से खांडवी चलाना। अगेन, फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे गाने गाजे चलते रहेंगे। ये इंस्टा स्टोरी नहीं है जो 15 मिनट में बन जाएगी, इसको धीमी आंच पे बिल्कुल धीरे धीरे 10 मिनट तक पकाना है, वरना या तो ये नीचे लग जाएगी या इसमें गांठे पड़ जाएंगी। आप बनाने जाएंगे खांडवी, बन जाएगा हलवा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, ये इंस्टा स्टोरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग, मतलब सब लोग नहीं, कुछ लोग इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं जब बेसन को दही या मट्ठे में मिलाते हैं ना। फरसान के बारे में भाई बहुत सारी बातें हो सकती हैं, सिर्फ एक बात करूँगा ताकि रेसिपी छोटी हो जाए। वो ये कि फरसान की जो कहानी है उसको फेमस बनाया गुजराती माइग्रेशन ने और सिंधी माइग्रेशन ने। हुआ यूँ कि गुजराती ब्रिटिश टाइम में बहुत अच्छे क्लार्क्स माने जाते थे, तो जहाँ पर भी ब्रिटिश एम्पायर था, स्पेशली ईस्ट अफ्रीका में, वहाँ पर गुजराती भेजे जाते थे क्लार्क्स के तौर पे। और वो जहाज़ पे जाते थे, बड़ा लंबा समय लगता था, और उसके बाद ईस्ट अफ्रीका जाते थे, अपनी ड्यूटी निभाते थे, फिर जहाज़ से हिंदुस्तान आते थे वापस छुट्टियों में, फिर वापस जाते थे। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जहाज़ में ये जितने फ्राइड फरसान है ना, ये बड़े अच्छे रहते हैं लंबे सफ़र के लिए, चाहे वो गाठिया है या वो फाफड़ा है, चवाना है, ये सारी चीज़ें वो साथ में लेके जाते थे। फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि भाई वहाँ जाके अगर फरसान बनाने हों तो चाहे फ्राइड हों या स्टीम्ड हों, सारे फरसान बनाने के लिए बेसन ही चाहिए बस। तो वो यहाँ से बेसन लेके जाते थे और वहाँ पर दुनिया भर के फरसान बना लेते थे। और फरसान का कल्चर जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ है, वो उसी गुजराती माइग्रेशन की वजह से हुआ है, और एक बेसन से कई सारे फरसान बनने के कारण हुआ है। तो यहाँ से बेसन जाता था शिप्स के ऊपर, और वहाँ पे फरसान की दुकानें लगती थी और पार्टियाँ होती थी। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियन फरसान एंड हाउ इट चेंज्ड ईस्ट अफ्रीका। कोई भी स्टील की प्लेट, थाली या एल्युमिनियम की ट्रे लेनी है।
अंदर भी और बाहर। काट लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर डाला थोड़ा खोपरा, उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया। इसको ऐसे बना लिए रोल। वेरी गुड रणवीर भ्रात। चलो जी, सारा काम खत्म। अब अपनी पौष्टिक डिश को खत्म करते हैं। तो तिल और राई। तिल राई गैस करी बंद। हींग, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, बस। और अब करते हैं प्लेटिंग। आजकल हम बात करते हैं हाई प्रोटीन फूड की, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, या फिर गुड फैट्स की, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ये तीन चीज़ इस हजारों साल पुरानी डिश में हमेशा से थी, लेकिन हम फिर भी जिम जाते हैं और कुछ मॉडर्न खाना ढूंढते हैं। क्यों भाई? खांडवी बनाओ एंड लेट मी नो हाउ इट केम आउट। ऑल द बेस्ट। और हाँ, वो जिम जाने से पहले या जिम जाने के बाद सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और वो बगल में वो जो घंटी है ना, वो भी बजा देना नोटिफिकेशंस। I'll see you soon.